आज सब कुछ ये सोच रहे हैं नहीं जी अब आउटसोर्स करो। आउटसोर्स करने का क्या मकसद है? क्या यह हमारे बच्चे अब जाके उनके पास जाएंगे? Where is the program? How do they want to address the youth? इसलिए आज मेरा बेसिक मुद्दा था कि I wanted to speak only on this because this is a very very important issue. जो हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जी यहाँ आ रहे हैं आज किसी पॉलिटिकल इशू पे हम सब रोज आए दिन मैं यहाँ पर बात भी करता हूँ, बाकी लोग भी हमारे दूसरे पॉलिटिशियन भी करते हैं। आज ये है और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको फौरन एड्रेस किया जाए। अगर एड्रेस नहीं होगा अपनी पार्टी सड़कों पर इन लोगों के साथ आएगी। वी विल ज्वाइन देम ऑन द रोड्स। Specific demand that it should be announced within a specific period of 30 to 60 days. They should be regularized, all of them, and their wages should be released. Specific demand. And if it is not done, within 30 to 60 days. This is a humanitarian issue. It cannot wait any longer. आप देख रहे हैं आए दिन आप देखिए आज सुबह जब अखबार उठाया इंसान का दिल रोता है उस लाइन मैन को जिस तरह से देखा और क्या होगा वहाँ बिजली बंद होगी उसकी लाश उतारी जाएगी शायद कफन डालने वाला भी कोई नहीं उसका होगा। आपके अखबारों ने आज बनाई मैं राज तहसीन देता हूँ आप मीडिया को क्या आप फिर भी हाईलाइट कर रहे हैं किन हालात में कर रहे हैं हमें ये भी मालूम है लेकिन उसके बाद क्या होगा शायद दो चार सियासी लीडर हम बयान भी दे देंगे और ताजियत का पैगाम भी पहुंचाएंगे बस बाकी तो जिनका गया उनका गया नहीं और उसको देखेंगे कि उसका जो होता वो होता होगा उससे भी ज़्यादा है होंगे हम हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 1,00,000 है विद्यार्थी जो आप देख रहे हैं यहाँ हमारा हाल मुझे लगता है कि वो अगर हमें अपने हाल पे ही छोड़ दें शायद हम ठीक हो जाएंगे अल्लाह उनको नसीब करे उनका प्राइम मिनिस्टर हम तो मुझे लगता है हमारे जितने इशूज है वी आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग देम विद गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली आवर सेल्स को मैं पाकिस्तान पे ज़्यादा आई डोंट सी एनीथिंग कि हमारे लिए कोई उनके लिए ही अच्छा हो जाए तो अच्छा है हमारा इशू ही नहीं है इट डज नॉट कंसर्न अस वहाँ क्या हो रहा है मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ इट डज नॉट कंसर्न अस मैं आपको यही ये आपने बड़ा सही सवाल फरमाया मैं यही जम्मू कश्मीर के अवाम को महसूस करवाना चाहता हूँ कि साहब अगर हम अपने घर को कमज़ोर रखेंगे हमारी आवाज़ कहीं नहीं सुनी जाएगी लेट अस स्ट्रेंथन आवर सेल्फ कि हमारी आवाज़ सुनी जाएगी ये नहीं है कि अल्ताफ़ बुखारी कमज़ोर होता है या कोई और पॉलिटिकल लीडर कम आवाज़ जम्मू कश्मीर के बाशिंदे की कमज़ोर हो जाती है दैट इज़ वायर वी ऑल शुड सी दैट आवर वॉइस इज स्ट्रेंथ स्ट्रेंथन ओनली व्हेन वी टॉक ऑफ व्हाट इज पॉसिबल विद इन द रियलम ऑफ पॉसिबिलिटीज हम अगर ख्वाब सुनहरे सपने लोगों को दिखाएं सुनहरे सपनों से तो नहीं होगा ना कोई ऐसे इकदाम को जेन्युइन नहीं मान सकता है मैं आपको बता दूं दिस कैन नॉट बी टर्न्ड एज जेन्युइन लेकिन इसके साथ हमें भी ये एहसास करना है दो चीज़ें हमें भी ये करनी पड़ेगी कि देखिए हमें क्या दिया हार्बरिंग अगर हम करेंगे हमें हार्बरिंग ने क्या दिया कब्रिस्तान और जेल पुलिस ने क्लैरिफाई किया अगर उन्होंने कहा अगर कोई फोर्सेबली होगा देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन जिसके हाँ फोर्सेबली गए जिसके हाँ मुझे नहीं लगता उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप रहेगी कि पुलिस को मिसयूज करने की लेकिन मैं कहता हूँ जनाब हम सबको सोच रहे हैं मुझे बताओ बच्चा मारा किसका मारा कश्मीरी मारा किसने कश्मीरी ने मारा अभी हमारे वो SPO लड़का मारा गया उसका भाई मारा गया दोनों कश्मीरी क्या किया था इसने उसकी तो नौकरी भी नहीं पकी मैं तो आज उसकी नौकरी भी कह रहा हूँ उस बेचारे को भी कोई कंपनसेशन तो मिले ठीक है जी उसके उसकी एक न्यूज़ बनी ये कौन कहता है देखिए जब जुल्म और जबर जहाँ होगा उससे एलिनेशन तो बढ़ेगी लेकिन एलिनेशन के बढ़ने के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हम अपने बच्चों को इससे दूर कैसे